आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा जी। तुम ज्ञान की बुलबुल बनो। क्या बनना है? बिल्कुल जैसे बुलबुल, हाँ बाबा उसको कहते हैं, टिकलू टिकलू करती रहती है अपनी आवाज में, ऐसे तुम ज्ञान की टिकलू टिकलू करो। कोई भी मिले उसको ज्ञान का कोई ना कोई पॉइंट सुनाओ। ज्यादातर दुनिया अज्ञान में फंसी है, भ्रम में फंसी है, इल्यूजन में, कुछ का कुछ दिख रहा है। जो दिखे वो कुछ का कुछ, जो ना दिखे वही सब कुछ। जो दिख रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है, एक सटल मशीनरी जो हम सबको दिखाई नहीं देती है। हम सब इस जगत को यथार्थ समझते हैं और इतना यथार्थ समझते हैं कि हमें विस्मृति है इस बात की कि हमें जाना पड़ेगा। अभी जो घटना हुई है ना, ख्वाब चित्त में भी नहीं था किसी के, ऑल ऑफ ए सडन है ना आत्मा चली गई। तो कौन किस वक्त कैसे चला जाए, नो बडी नोस। इसलिए बाबा कहते हैं, जितने श्वास तुम्हें मिले उन श्वासों का प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन करो। वो है कि अगर तुम्हारे पास ट्रुथ होगा, सच्चाई होगी, राइट और रॉन्ग की नॉलेज होगी, और आप राइट को चुनते हैं, सत्य को चुनते हैं, तो आपका जीवन बहुत सुंदर, खूबसूरत, आनंदमयी हो जाएगा, आनंद से संपन्न हो जाएगा। तो इसलिए समझ से चलना है। सबसे पहले परिवर्तन होते हैं संकल्प। जब ज्ञान सुनते हैं तो हमारा मन के अंदर उठने वाले जो थॉट्स, उन थॉट पैटर्न चेंज होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान से तुम्हारे अंदर जो थॉट पैटर्न चेंज होता है, जो तुम्हारी वाणी में परिवर्तन आता है, जो तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन आता है, जो तुम्हारे संबंधों में परिवर्तन आता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं, तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है। कोई भी मिले, स्वयं तो धारण करना ही है, लेकिन हर एक को कोई ना कोई ज्ञान का बिंदु, कोई ना कोई ज्ञान का मोती सबके साथ शेयर करना है। इससे क्या लाभ होगा, बाबा ने बताया, तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। तो हमारे सबके माता पिता कितने हैं? वैसे तो तीन है, तीन माता पिता है, लेकिन तीन पिता कौन कौन से हैं? एक लौकिक, एक अलौकिक, एक पारलौकिक। एक है लौकिक पिता जिसने शरीर को जन्म दिया, लौकिक माता पिता। एक है लौकिक ब्रह्मा सरस्वती जो सृष्टि के उत्पादक माने जाते हैं। तीसरे हैं पारलौकिक पारलौकिक पिता, ब्रह्मा माता बन जाती है और शिव पिता, मंदिरों में जिसकी यादगार ज्योतिर्लिंगम शिव के रूप में है, शिवलिंग के रूप में है, वो निराकार का प्रतीक है। हम सब आत्माएं भी आत्मलिंगम है, जैसे वो शिवलिंगम है, हम आत्मलिंगम। आत्मलिंगम ज्योति का चिन्ह है, आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। निराकार है। तो बाबा कहते हैं, अगर ज्ञान तुम्हारे जीवन में होगा और तुम ज्ञान को शेयर करोगे सबके साथ, तो जो तुम्हारे लौकिक माँ बाप हैं, जब तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होगा तो लौकिक माँ बाप भी प्रसन्न होंगे,
और पारलौकिक मात पिता भी प्रसन्न होंगे, अलौकिक मात पिता भी प्रसन्न होंगे। बाकी धर्मों में अलौकिक मात पिता कौन होते हैं? जो धर्म पिताएं होते हैं, जो जिस धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम ज्ञान की बुलबुल बनके, आपके जैसे बुलबुल गीत सुनाती है या कोयल गीत सुनाती है, या कई बार बाबा तोते को भी याद करते हैं कि तोते तोता भी याद कर लेता है ना, है ना। तो इस तरह से ज्ञान को लेके सबको सुनाओ, ज्ञान की बुलबुल बनो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के रास्ते।